हेलो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं वो प्रकृति का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। क्या आपको पता है शेर ही शेर के बच्चों को मार देता है? हाँ जी, ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए कोई शेर और शेरनी अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और जो शेर है वो या कहीं रिप्लेस हो जाए या मर जाए या उसको कुछ हो जाए या दूसरा कोई लॉयन उसको लड़ाई करके हरा दे तो वो उस शेरनी के बच्चों को मार देता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक वो पहले वाले बच्चों को नहीं मारेगा तब तक जो शेरनी है उसका ऑस्ट्रस साइकिल, जैसे महिलाओं में महावारी होता है वैसे शेरनी के अंदर भी ऑस्ट्रस साइकिल होता है, वो स्टार्ट नहीं होता है। यानी वो फ्यूचर नए जनरेशन को जन्म नहीं देगी। यानी जब तक उसके पुराने बच्चे जिंदा रहेंगे उसमें वो ऑस्ट्रस साइकिल चालू नहीं होगा और वो फिर से नए लॉयन के जो बच्चे हैं उसको जन्म नहीं देगी। तो वो अपनी संतान उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए जो पुराने बच्चे होते हैं यानी पुराने शेर के जो बच्चे होते हैं एक साल के या एक साल से छोटे तक के उनको मार देता है और उनको मारने के बाद ही शेरनी उस नए शेर के बच्चों को जन्म देने योग्य हो पाती है। यही रीज़न है कि शेर ही शेर के बच्चों को मार देता है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जान के बहुत अच्छा लगा होगा। और वास्तविकता तो ये है, ये एक क्रूरल्टी है, मतलब ये एक अमानवीय रूप से, मतलब ऐसी चीज़ है कि अगर ये नहीं होता तो शायद शेर की पॉपुलेशन और बढ़ती, हमें ऐसा लगता है। लेकिन जितने बच्चे वो मारती है उतने वो वापस नेक्स्ट सीक्वेंस में पैदा कर देती है, तो उससे शेर की पॉपुलेशन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हर एक मेल का जो स्वभाव होता है, मेल लायन जो होता है वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता है, यानी अपने जो बच्चे हैं उनको जन्म दिलवाना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो शेरनी के पहले वाले बच्चों को मार देता है। इस इंटरेस्टिंग से फैक्ट को दिखाने के लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसी वीडियो को कंटिन्यूस देखिए, आपको वीडियो देखकर सच में ये पता चल जाएगा कि वास्तविकता में ऐसा होता है। अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक द बटन।